स्टूडेंट्स, आज असं पढ़ा एक नवा टॉपिक होमोमोरफिजम, होमोमोरफिजम ऑफ टू ग्रुप्स। सपोज साढ़े को एक ग्रुप है जी विद बाइनरी ऑपरेशन ओ एंड जी डैश विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। साढ़े को दो ग्रुप ने, असी इन्हें विचकार होमोमोरफिजम पढ़नी है। तो होमोमोरफिजम की है? एक फंक्शन है फ्रॉम ग्रुप जी टू जी डैश। दिस फंक्शन इज कॉल्ड होमोमोरफिजम इफ इमेज ऑफ ए ओ बी under f, that is f a o b is equal to f a star f b for every element a b of group g. a the image f a hai under f, b the image f b hai under f, then f a o b the image ki hoegi f a star f b. this is called homomorphism. a correspond to f a, ए ग्रुप जी है, ए जी डैश है, ए दे एलीमेंट दे कोरसपोंडिंग जी डैश विच एक एलीमेंट है एफ ए, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एफ, अकॉर्डिंग टू मैपिंग एफ। बी दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट है एफ बी, यानी कि बी दी इमेज एफ बी है, तो ए ओ बी दी इमेज की होएगी एफ ए स्टार एफ बी। F A O B एक फंक्शन है, मैपिंग है फ्रॉम G टू G डैश, सच दैट इफ वी कोई बाइनरी कंपोजिशन नहीं है, एक फंक्शन है। वी कैन राइट दिस फंक्शन F A B इज इक्वल टू F A इंटू F B। इस सर्कल बाइनरी ऑपरेशन है प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी फॉर एवरी एलिमेंट ए बी एलिमेंट ऑफ जी। एपीमोरफिजम, होमोमोरफिजम जो कि ए ऑन टू होएगी, क्योंकि फंक्शन वन वन ऑन टू होंगे ने, इन टू भी होंगे ने, मैनी वन ऑन इन टू, मैनी वन ऑन टू, वन वन, हर तरह के होंगे ने। तो एक होमोमोरफिजम जी ऑन टू होएगी उसमें असं एपीमोरफिजम कहने। आइसोमोरफिज्म की है? एक होमोमोरफिज्म विच इज वन वन इज कॉल्ड आइसोमोरफिज्म और मोनोमोरफिज्म। होमोमोरफिज्म जड़ी है वो वन वन हुए तो उसमें से आइसोमोरफिज्म कहने हैं। एंडोमोरफिज्म की है? ए होमोमोरफिज्म फ्रॉम जी टू जी इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एंडोमोरफिज्म। ऑटोमोरफिज्म, ए होमोमोरफिज्म फ्रॉम जी टू जी इटसेल्फ which is one one and on two also, a function one one भी होवे, a mapping one one भी होवे, तो on two भी होवे, तो उस होमोमोरफिज्म से ऑटोमोरफिज्म कहेंगे फ्रॉम ग्रुप g टू g itself। आइसोमोरफिक ग्रुप, दो ग्रुप g ते g डैश नु असी आइसोमोरफिक कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग f g फ्रॉम g टू g डैश सच दैट F is homomorphism and 1-1 on 2. जी मैपिंग है होमोमोरफिज्म है वो 1-1 on 2 होवे तो असं कहेंगे टू ग्रुप्स जी एंड जी डैश आर आइसोमोरफिक ग्रुप्स। इसलिए असं नोटेशन यूज करते हैं दिस वन, जी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस सिंबल इज फॉर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड दिस इज सिंबल यूज फॉर आइसोमोरफिज्म। We write it as G is isomorphic to G dash. Homomorphic image, group G dash नो सी homomorphic image कहांगे किस दी group G दी। If अजही एक mapping exist कर दी है F जड़ के function exist कर दा है from G to G dash such that F is homomorphism and onto, F homomorphism है ते onto है। हुण वट द हुण साडे कोल कर्नल ऑफ होमोमोरफिज्म का की मीनिंग है? कर्नल ऑफ होमोमोरफिज्म, सपोज जी एंड जी डैश बी टू ग्रुप्स एंड एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश, सपोज इट्स ए होमोमोरफिज्म, देन कर्नल ऑफ एफ इज डिफाइंड एज फॉलोज। कर्नल ऑफ एफ दिस होमोमोरफिज्म इज इक्वल टू द सेट set of all those elements of G such that fx is equal to e dash,
वेयर ई डैश द आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी डैश, यानी कि जी दे ओ एलीमेंट्स का सैट आएगा कर्नल ऑफ एफ दे विच जिन्ना दी एफ दे अंडर इमेज की है ई डैश, ई डैश की है आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी डैश, दैन दिस सैट इज नोन एज कर्नल ऑफ एफ। इसमें अस इवें लिखते हैं के आर एफ कर्नल ऑफ एफ। जोमैट्रिकली असी दिखा सकते हैं दिस इज द कर्नल ऑफ एफ, ए वो एलीमेंट ने जी दे जिन्ना दी एफ दे अंडर इमेज की है ई डैश, एफ दे अंडर इमेज की है ई डैश, तो ए ओ वाले एलीमेंट्स ने जिन्ना दी एफ इनवर्स दे अंडर जी इमेज है ई, ई है आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी। जो एफ ऑन टू है तो क्लीयरली जरा रेंज ऑफ दिस फंक्शन दिस मैपिंग दिस होमोमोरफिजम वो जी डैश होएगी, क्योंकि ऑन टू दी डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन वो होंगे ने जिन्हें कोड डोमेन का हरेक एलीमेंट किसी ना किसी डोमेन के किसी ना किसी एलीमेंट की इमेज होंगे, तो रेंज ऑफ दिस एफ विल बी इक्वल टू जी डैश इफ एफ इज ऑन टू। जेकर एफ वन वन भी है तो कर्नल ऑफ एफ, कर्नल ऑफ एफ विल बी इक्वल टू ई, कर्नल ऑफ एफ विल बी इक्वल टू ई, यानी कि जी द आइडेंटिटी एलीमेंट की ही इमेज ही ई डैश होएगी, किसी होर एलीमेंट की इमेज नहीं होएगी, इमेज ई डैश नहीं होएगी, क्योंकि क्योंकि साडा फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, तो वन वन फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलीमेंट मस्ट हैव डिफरेंट इमेज, तो ई की सिर्फ एक ही इमेज होएगी ई डैश, इस करके कर्नल ऑफ एफ दे सिर्फ एक ही एलीमेंट आएगा ई। Properties of homomorphism. Suppose F be a homomorphism from group G into a group G dash, then the following results hold. Identity element of G, the image hoegi, E dash hoegi. E dash is an identity element of G dash. Kisi bhi element the inverse, A is an element of G and A inverse is inverse of A in G. तो इसकी इस होमोमोरफिजम के अंडर जी इमेज होएगी वो एफ ए इनवर्स होएगा, यानी कि होमोमोरफिक इमेज ऑफ एन इनवर्स ऑफ एलीमेंट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ होमोमोरफिक इमेज ऑफ द दैट एलीमेंट। आल्सो होमोमोरफिक इमेज ऑफ एफ ए एन इज विल बी इक्वल टू एफ ए रेज टू पावर एन फॉर आर इंटीजर्स। गिवन दैट एफ इज ए होमोमोरफिक होमोमोरफिजम फ्रॉम जी टू जी डैश, ई जी द एलीमेंट है आइडेंटिटी एलीमेंट है, इट मीनस एफ के अंडर इसकी इमेज जी होमोमॉर्फिक इमेज होएगी वो जी डैश न बिलोंग करेगी। आलसो फॉर एवरी एलीमेंट ऑफ जी एफ ए आलसो बिलोंगस टू जी डैश, नाउ एफ ए इन टू ई डैश इज इक्वल टू एफ ए बिकॉज एफ ए बिलोंगस टू जी डैश एंड E dash also belongs to G dash from closure property, क्योंकि G dash एक ग्रुप है, from closure property F A into E dash must belong to G dash, F क्योंकि E dash एक identity element है, therefore F A into E dash will be equal to F A, क्योंकि homomorphism है, F A can be written as F A into E, A साडा identity element है G दा, sorry A साडा element है G दा, तो E साडा identity element है G दा, तो इस करके A नो सी ए इंटू ई लिख सकते हैं क्योंकि ई का आइडेंटी एलीमेंट है। एफ ए विल बी इक्वल टू एफ ए इंटू ए ई फ्रॉम होमोमॉर्फिज्म बिकॉज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ इंटू एफ बी होंगे, इस करके असी लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ ई। जो असी लैफ्ट कैंसलेशन ला यूज करिए ई डैश विल बी इक्वल टू एफ ई। सैकेंड प्रॉपर्टी की है कि सपोज फॉर एवरी एलीमेंट ऑफ जी ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, क्योंकि होमोमोरफिज्म है, तो असी पहली प्रॉपर्टी प्रूव किया ई डैश इज इक्वल टू एफ ई, ई विल बी इक्वल टू ए इन टू ए इनवर्स,
ए था लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स एफ ए इंटू ए इनवर्स फ्रॉम होमोमॉर्फिज्म दिस विल बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स ऑल्सो ई डैश विल बी इक्वल टू एफ ई कैन बी रिटन एज एफ ए इनवर्स ए एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए फ्रॉम होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ई डैश इस दे भी इक्वल है तो ई डैश इस दे भी इक्वल है तो दोनों इक्वल होंगे इधर मतलब होया कि फ्रॉम इधर मतलब है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ ए इनवर्स यानी कि ए इज द इनवर्स है तो एफ ए द इनवर्स होएगा एफ एफ ऑफ ए इनवर्स सपोज जेड बी द ग्रुप ऑफ आर इंटीजर्स अंडर एडिशन जी साडा ग्रुप है टू रेस टू पावर एन सेट ऑफ ऑल द एलीमेंट्स ऑफ टाइप टू रेस टू पावर एन वेयर एन इज एन इंटीजर एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन असं एक मैपिंग डिफाइन करते हैं फ्रॉम जेड टू जी बाय एफ एन इज इक्वल टू रेस पावर एन फॉर एवरी एन इंटीजर तो असं शो करना है कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म इसका असं कर्नल भी फाइन करना है एफ एक मैपिंग है फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू रेस पावर एन सानू पता है कि जेड एक ग्रुप है अंडर एडिशन एंड जी इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन दोनों देते हुए ने सपोज दो इंटीजर ने एन वन एन टू दैन एफ एन वन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैपिंग एफ एन वन विल बी इक्वल टू रेस पर एन वन एंड एफ एन इमेज ऑफ एन टू विल बी इक्वल टू रेस पर एन टू नो एफ एन प्लस वन विल बी इक्वल टू टू रेस्ट पर एन प्लस वन दिस विल बी इक्वल टू रेस्ट पर एन वन इन टू टू रेस्ट पर एन टू फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा पावर्स एड हो जाएंगी या बेस सेम है वी कैन सेपरेट इट टू रेस्ट पर एन इज इक्वल टू एफ एन वन एंड टू रेस्ट पर एन टू इज इक्वल टू एफ एन टू यानी कि एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एफ एन इन टू एफ एन टू तो ये साड़ी डेफिनेशन नू सैटिस्फाई करता है होमोमॉर्फिज्म नू देयरफॉर यानी कि एफ ए ओ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी दिस इज डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो साड़े कोल ओ ऑपरेशन है प्लस ते स्टार ऑपरेशन है डॉट इस करके एफ की है होमोमॉर्फिज्म हुण असीं प्रूव करांगे कि ए क्योंकि असी प्रूव करना है आइसोमॉर्फिज्म तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए इसका वन वन होना जरूरी है तो ऑन टू भी होना जरूरी है सॉरी वन वन होना जरूरी है तो असं की करते हैं इसमें वन वन प्रूव करा सपोज दो इंटीजर ने एन वन एन टू सपोज इन्हों इमेज इक्वल ने अंडर एफ दैट इज टू रेस पर एन वन इज इक्वल टू रेस टू पावर एन टू तो बेस सेम ने तो पावर भी सेम होनी है इसका मतलब होगा कि एन वन इज इक्वल टू एन टू दिस मीनस एफ वन एफ इज वन वन एफ होमोमॉर्फिज्म भी है तो वन वन भी है देयरफॉर एफ इज आइसोमॉर्फिज्म क्योंकि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म एक अजिही होमोमॉर्फिज्म है विच इज वन वन एंड ऑन टू हूँ असं ऑन टू भी प्रूव कर सकते हैं सपोज टू रेस टू पावर एन इज एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर फॉर एवरी हर एक इस टाइप के एलीमेंट के लिए जेड के एक इंटीजर एन एन एग्जिस्ट करता है यानी कि टू रेस टू पावर एन एन इज एनी इंटीजर हर एक एलीमेंट ऑफ जी दे लई एक एन एग्जिस्ट करता है विच बिलोंग्स टू जेड तो यह मतलब है कि फंक्शन ऑन टू है साडा जिहड़ा जी है कोड मेन दे हर एक एलीमेंट दे कोरसपोंडिंग डोमेन दा विच एक एलीमेंट एग्जिस्ट करता है
यानी कि हर एक एलीमेंट इन जी की प्री इमेज जैड के एग्जिस्ट करती है। तो यह मतलब फंक्शन की है ऑन टू भी है। हम इसी कर्नल फाइंड करना है। इस ग्रुप जी की जो आइडेंटिटी एलीमेंट है वह है टू रेस टू पावर जीरो, टू रेस टू पावर जीरो। द कर्नल ऑफ एफ विल बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द एलीमेंट्स ऑफ जेड सच दैट एफ एन इज इक्वल टू वन। टू इक्वल टू जीरो मीनस वन, वन साडा जो है आइडेंटिटी एलीमेंट है अंडर मल्टीप्लीकेशन इन ग्रुप जी। तो असी वो एन एन लवेंगे जिन्हें असी टू रेस टू पावर एन करते हैं तो इक्वल टू वन आएगा। तो ओनली एलीमेंट जो है एन इक्वल टू जीरो होएगा। फॉर विच सच दैट टू रेस टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन, तो कर्नल ऑफ एफ सिर्फ एक ही एलीमेंट आएगा जीरो। सी दिस एग्जाम्पल, प्रूव दैट एडिटिव एडिटिव ग्रुप जेड ऑफ इंटीजर्स एंड एडिटिव ग्रुप फाइव जेड ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फाइव आर आइसोमॉर्फिक। दो ग्रुप ने, एक साडा जेड है एक है साडा फाइव जेड। तो फंक्शन असी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फाइव, साडा फंक्शन है कि एफ एन इज इक्वल टू फाइव एन। सपोज दैट एन वन एन टू दो एलीमेंट ने जेड दे, दो इंटीजर्स ने। दैन एफ, क्योंकि असी जो बाइनरी ऑपरेशन जेड के रहना एडिशन है, तो सैकेंड ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन साडा एडिशन ही है। एफ एन प्लस वन विल बी, एफ एन वन प्लस एन टू विल बी इक्वल टू फाइव अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। एफ एन फाइव एन वन प्लस फाइव एन फाइव इन टू एन वन प्लस एन टू, फाइव एन वन प्लस फाइव एन टू, दिस इज इक्वल टू एफ एन वन एफ एन वन एन टू। यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ए स्टार एफ बी। साडे कोल फस्ट ग्रुप के भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो दूसरे विच भी प्लस है। इट मीनस एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी। दिस मीनस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। हुण असीं वन वन प्रूव करना है। सपोज साढ़े कोल दो एलीमेंट ने जेड दे एन वन एन टू, इन्हां दीआं इमेजिज इक्वल ने। तो वन वन फंक्शन वह होंदा जिस दे विच डिफरेंट एलीमेंट्स है डिफरेंट इमेजिज, इक्वल एलीमेंट्स है इक्वल इमेजिज। सपोज दोनों दीआं इमेजिज इक्वल ने तो असीं की प्रूव करना है कि दोनों एलीमेंट भी इक्वल ने। एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू, दैन फाइव एन इज इक्वल टू फाइव एन टू। इस सारे को आ गया फाइव कैंसल हो गया, एन वन इज इक्वल टू एन टू। जे असी नॉट इक्वल लवेंगे तो यह नॉट इक्वल आएगा। दिस मीनस फंक्शन इज वन वन, यानी कि होमोमॉर्फिज्म इज वन वन। फॉर ऑन टू, असी इसमें इक्वल टू वाई रखते हैं। फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एन विच बिलोंग्स टू जेड। असी किसी भी फाइव के मल्टीपल के कोरसपोंडिंग एन असी फाइंड कर सकते हैं जो जेड नू बिलोंग करता होएगा। इसका मतलब होया कि एफ साडा ऑन टू है, तो यह एक साडे होमोमॉर्फिज्म है विच इज़ वन वन एंड ऑलसो ऑन टू। दिस दैट इज जेड इज आइसोमॉर्फिक टू फाइव जेड। सी दिस एग्जाम्पल, let c and r be the group of complex numbers and real numbers respectively under addition. define a map f from c to r by fx plus iota y is equal to x for every x plus iota y complex number. prove that f is a homomorphism and is it an isomorphism. also find kernel of f. c sada jada hai wo group hai complex numbers da, तो आर है सैट ऑफ ग्रुप ऑफ रीयल नंबरस, तो ऑपरेशन है साडा बाइनरी ऑपरेशन इन बोथ ग्रुप्स एडिशन। साढ़े को जी बाइनरी मैप है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस आयाटा वाई इज इक्वल टू एक्स। मान लो दो कंपलैक्स नंबर ने ए प्लस आयाटा बी, ए प्लस सी प्लस आयाटा डी। दैन ए जेड वन प्लस जेड टू विल बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आयाटा बी प्लस डी। नो एफ जेड वन प्लस जेड विल बी इक्वल टू एफ ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ बाइनरी मैप दिस विल बी इक्वल टू इट्स रियल पार्ट ओनली, यानी कि ए प्लस सी। ए किस दे इक्वल होएगा,
एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए फ्रॉम द डेफिनेशन आयोटा बी तो एफ सी प्लस आयोटा डी होएगा इक्वल टू सी तो ए प्लस सी इज इक्वल टू ए थान से असं लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी एंड सी नूं असं लिख सकते हैं सी प्लस एफ सी प्लस आयोटा डी यानी कि ए जेड वन है ए जेड टू है एफ जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू एफ जेड वन प्लस एफ जेड टू तो यह मतलब यह होया कि एफ साडी होमोमॉर्फिज्म है ऑफ सी इंटू आर हूँ वन वन ऑन टू है कि नहीं है असं ये चैक करांगे हूँ साढ़े को दो डिफरेंट एलीमेंट्स ने जेड वन जेड टू जिहड़े कि कॉम्पलैक्स नंबर नूं बिलोंग करते हैं जेड वन की इमेज की है वन तो जेड टू की इमेज की है वन क्योंकि फ्रॉम द डेफिनेशन एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्पलैक्स नंबर ओनली तो इस कंपलैक्स नंबर का रियल पार्ट भी वन है इसका भी वन है इस करके दोहां की इमेज की आएगी सेम आएगी बट दोनों कंपलैक्स नंबर की नहीं डिफरेंट नहीं इस करके जेड वन जेड टू बेशक इमेज इज इक्वल नहीं एफ जेड वन इज इक्वल टू एफ जेड टू बट जेड वन इज नॉट इक्वल टू जेड टू देयरफॉर दिस मैपिंग इज नॉट वन वन जे वन वन नहीं है तो क्लीयरली आइसोमॉर्फिज्म नहीं है तो कर्नल दे लिए की है कि असी एक अजिहा सैट ऑफ एलीमेंट्स ऑफ कंपलैक्स नंबर लिखा जिस दे अंडर जिन्हें इमेज की होनी चाहिए ने आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ आर अंडर मल अंडर एडिशन तो एडिशन दे अंडर सानू पता है कि आइडेंटिटी एलीमेंट की है जीरो तो असी लिखा सैट ऑफ आल दोज एलीमेंट्स ऑफ सी सच दैट एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो तो साड़ी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस आयोटा वाई किस दे इक्वल है एक्स दे जे ए जीरो है तो एक्स जीरो होना चाहिए एक्स जीरो हो गया तो फिर साढ़े को इस तरह का कॉम्पलैक्स नंबर बाकी बचेगा इमेजनरी तो कर्नल ऑफ एफ की होएगा सैट ऑफ आल प्योरली इमेजनरी नंबर इनकलूडिंग द रियल पार्ट रियल नंबर जीरो हाँ जी ये एग्जाम्पल देखो सपोज साढ़े को एक ग्रुप है जी तो ए बी एनी फिक्सड एलीमेंट ऑफ जी प्रूव दैट मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी सैल्फ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स फॉर आल एक्स एलीमेंट्स ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी दैट इज एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म ए एक फिक्सड एलीमेंट है तो मैपिंग डिफाइन की है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स फॉर एवरी एलीमेंट जी एक्स ऑफ जी सपोज साढ़े को दो एलीमेंट ने एक्स से वाई जी देन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू फ्रॉम द डेफिनेशन जितने एक्स साढ़े को एक्स वाई आएगा तो इतने असी आइडेंटिटी एलीमेंट लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलीमेंट थे असी ए इनवर्स ए लिख सकते हाँ इन असी एसोसिएट लॉ नाल सेपरेट कर सकते हैं ए ए एक्स ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स आ जाएगा ये की है एफ एक्स ए की है एफ वाई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इन टू एफ वाई दिस इज द डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म इहदा मतलब होया कि ये होमोमॉर्फिज्म है बट जेकर डोमेन ते रेंज सेम हो दिस मैपिंग दियाँ तो यह साड़ी एंडोमॉर्फिज्म भी बन जाती है एफ डेफिनेशन पढ़ी सी एंडोमॉर्फिज्म एफ इज़ वन वन सपोज दो एलीमेंट ने एक्स से वाई जी दे इन्हों इमेज इक्वल ने अंडर एफ नैचुरली ए एक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स असी लैफ्ट कैंसलेशन नाल ए कैंसल हो जाएगा सॉरी राइट कैंसलेशन कर दो फिर लैफ्ट कर दो तो एक्स विल बी इक्वल टू वाई इसका मतलब है कि जो इमेज इक्वल है तो फंक्शन की है इमेज इक्वल है तो एलीमेंट्स भी इक्वल होंगे तो फंक्शन वन वन है फंक्शन ऑन टू असी एफ ऑन टू प्रूव करना है तो असी देखते हैं कि दिस इज यूनीक फॉर एवरी एक्स देयर इज स्टे ऑन वन ओनली वन एलीमेंट इन जी सच दैट एफ ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए कि इसकी प्री इमेज लभ सकते हैं कि नहीं एफ ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू
अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये सारी डेफिनेशन है जिथे एक्स है ए लिखांगे सी, ए ए इनवर्स ये साडा एक्स है हुण, ए ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स, दिस इज ई, ई इंटू एक्स इंटू ई विल बी इक्वल टू एक्स, तो हर एक इस तरह के कोरस्पोंडिंग एलीमेंट टू दिस वी कैन फाइंड ए एक्स विच बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर एफ इज ऑन टू एफ होमोमॉर्फिज्म भी है, वन वन भी है, वन वन भी है, ऑन टू भी है, इट मीन्स एफ इज ऑटोमॉर्फिज्म। प्रूव दैट द एडिटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ए प्लस आयोटा बी इज आइसोमॉर्फिक टू मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स ए रेस टू रेस पर ए, बी रेस थ्री रेस पर बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। साडा पहला ग्रुप है जी, जिस दे विच एलीमेंट कंपलैक्स नंबरस ने, ते इस दे विच बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन। दूसरा जी डैश ग्रुप है वो मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है ऑफ रैशनल नंबरस, ते इस दे विच एलीमेंट है ने टू रेस पर ए, थ्री रेस पर ए टाइप के, ए ते बी की ने इंटीजर्स। असी एक मैपिंग डिफाइन की हुई है, मैपिंग इज डिफाइंड एफ ए बी, ए प्लस आयाटा बी इज इक्वल टू रेस पर ए, थ्री रेस पर बी, फॉर एवरी कंप्लेक्स नंबर ए प्लस आयाटा बी ऑफ द एलीमेंट जी। सपोज अं दो एलीमेंट्स लेने जी के, फस्ट है ए प्लस आयाटा बी एंड वाई इज इक्वल टू सी प्लस आयाटा डी फॉर सम ए बी सी डी इंटीजर्स। एफ एक्स एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू, फ्रॉम द डेफिनेशन एक्स की वैल्यू है ए प्लस आयाटा बी एंड वाई है सी प्लस आयाटा डी, तो सू एड करिए, एड होएगा ए एफ ए प्लस सी प्लस आयाटा बी प्लस डी, दैन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ ए प्लस आयाटा बी है टू रेस्ट पावर ए, यानी कि रियल पार्ट ऑफ दिस कंपलैक्स नंबर, टू रेस्ट पर रियल पार्ट ऑफ कंपलैक्स नंबर एफ ए प्लस आयाटा बी एंड थ्री रेस्ट पावर इमेजनरी पार्ट ऑफ कंपलैक्स नंबर। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतने टू रेस्ट पावर ए प्लस सी आएगा, थ्री रेस्ट पावर बी प्लस डी आएगा, असं इन सैपरेट कर सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं बाय यूजिंग एसोसिएट लॉ, टू रेस्ट पर ए इंटू थ्री रेस्ट पर बी, टू रेस्ट पर सी इंटू थ्री रेस्ट पर डी, ये की है एफ ए प्लस आयाटा बी, ये है एफ सी प्लस आयाटा डी, यानी कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, इट मीनस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। हुण असीं वन वन है कि नहीं चेक करते हैं, सपोज दैट दो एलीमेंट्स दी इमेज इक्वल ने अंडर एफ, यानी कि एफ ए प्लस आयाटा बी इज इक्वल टू एफ सी प्लस आयाटा डी कदों होणगियां, इफ टू रेस्ट पावर ए इंटू थ्री रेस्ट पर बी इज इक्वल टू रेस्ट पर सी इंटू थ्री रेस्ट पर डी। ठीक है जी, एक पास इकट्ठे करो तो की आएगा टू रेस्ट पावर, असं लिख सकते हैं टू रेस्ट पावर ए, थ्री रेस्ट पावर बी नूं लिख सकते हैं, इधर नीचे आ जाएगा टू रेस्ट टू पावर सी, थ्री रेस्ट टू पावर डी इज इक्वल टू वन, ए बन जाएगा टू रेस्ट टू पावर, उपर जाके पावर माइनस हो जाएगी ए माइनस सी, तो थ्री रेस्ट पावर बी माइनस डी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू थ्री रेस्ट पावर जीरो, टू रेस्ट पावर जीरो, थ्री रेस्ट पावर जीरो, मीनस ए माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, सारे और क्या जाएगा ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी, जे दोनों इक्वल है तो ए प्लस आयडा डी इज इक्वल टू सी प्लस आयडा डी, यानी कि एक्स इज इक्वल टू वाई होएगा, जे इमेज इक्वल है तो एक्स प्लस एक्स तो वाई दोनों भी इक्वल होंगे, इट मीनस फंक्शन इज वन वन। ऑन टू दे की करते हैं कि एक पर्टिकुलर एक अजिहा एलीमेंट वाई है विच इज इक्वल टू दिस वन विच कोरसपोंड टू एवरी एलीमेंट इन जी, तो हर एक ए दे बी, हर एक ए बी दे लई साडे कोल ए प्लस आयाटा बी जिहड़ा है वह बिलोंग करता है जी, तो हर एक ए बी दे लई एक प्री इमेज कर सकते हैं विच बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर दिस मैपिंग इज ऑन टू एफ होमोमॉर्फिज्म है, वन वन है, ऑन टू है, इट मीनस एफ इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी। ये आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म कदों बन जाती है कि जेकर दोनों ग्रुप सेम हो। दिस एग्जाम्पल इन विच जी इज इक्वल टू ए प्लस आयाटा बी इज कॉल्ड द ग्रुप ऑफ गॉसियन इंटीजर्स एंड इज डिनोटेड बाय जेड आई और जे आई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगे असी कल इसे कंटिन्यू करांगे, ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म कुछ होर क्वेश्चन पढ़ांगे।